मीठा खाना है, स्वादिष्ट खाना है, फटाफट से बन जाए, ऐसा भी कुछ चाहिए, टाइम नहीं है। तो भाई मेरे साथ ड्रॉपिंग एग करी बनाइए, बहुत लाजवाब मिनटों में बनने वाली। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम टू माय किचन। एग करी बनाने के लिए देखिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आपके। अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप एग बॉयल नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेकिंग तो होता ही है, तो आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस करी को बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। इसमें मैंने लिया है हल्दी, धनिया, मिर्चा एक एक चम्मच लिया है। आप मिर्च अपने हिसाब से लीजिए, कम ज़्यादा। प्लस इसमें एक प्याज मैंने लिया है चॉप्ड मीडियम साइज का, और 5-6 कलियां लहसुन की हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है एक चम्मच, और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, 2 लाल मिर्च, बड़ी इलायची है, और ये काली मिर्च और दालचीनी। ये चॉप्ड जिंजर लिया है मैंने, टमाटर एक बड़ा साइज का मैंने काट लिया है, और ये चॉप्ड एक छोटा साइज प्याज का है। और जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अंडे, और यहाँ पे मैंने 4 अंडे ले रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। ये जो मैंने मसाला लिया है फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये जो हमने गरम मसाला खड़ा ले रखा है, ये भी उन्हीं मसालों में पीस के हमें बनाना है, तो उसी में हम ऐड कर लेते हैं और पीस लेते हैं। इस मसाले का फाइन पेस्ट बिल्कुल बनाना है इस तरह से। ये हो गया रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी हम ग्रेवी रेडी करेंगे, तो गैस ऑन कर लेते हैं। में जाएगा सरसों का तेल, तेल हमारा गरम हो गया है, तेज पत्ता जाएगा इसमें, लाल मिर्च खड़ी, और सीधे इसमें जाएगा हमारा प्याज। अच्छे से चला लेते हैं इसे, और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे। बहुत हल्का सा ब्राउन हो गया, देखिए प्याज हो गया हल्का ब्राउन। अब इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था ये जाएगा। जस्ट बाद हम इसमें जो हमने अदरक चॉप किया था ये हम डाल देंगे। और जस्ट इसके बाद टमाटर जो चॉप किए थे ये भी हम डाल देंगे। नमक इसमें जाएगा स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डालिएगा। जब इसके साइड में ऑयल आने लगेगा तब तक हमें इसे भूनना है, तो 10 मिनट का वेट कर लेते हैं। ये देखिए इसका मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। 1 मिनट तक इसे हम और भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल के इसका ग्रेवी करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है, देखिए साइड में इसके ऑयल छूट गया है, इसका इंडिकेशन है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन इसमें पानी जाएगा 1 कप। आप ग्रेवी ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा लटपटा बनाऊंगी। Thank you.
गैस फुल पे कर देते हैं और इसको हम उबलने देते हैं। इसका एक उबाल आते ही इसमें हम अंडे ऐड करेंगे। मसाला हमारा उबलने लगा है ये पानी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके अंडे इसमें तोड़ना शुरू करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ये जाएगा अंडे डालने के बाद। दोस्तों आपको इसे तुरंत चलाना नहीं है, 5 से 7 मिनट तक आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये अपने आप टाइट हो जाएगा और फिर आप इसे चला सकते हैं। अगर आप इसे तुरंत अंडे डाल के चलाने लगेंगे तो ये बिल्कुल फैल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको कि अंडे कहाँ चले गए, तो इसीलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ये जैसे आपने डाला है उसी फॉर्म में ये टाइट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी हद तक पक गया है, तो इसे अब हम धीरे से ना पलट लेंगे। ये देखिए ये हमारा एग है, ये आपका गया, अब ये नीचे के साइड से भी अच्छे से पक जाएगा। अब ये आपका मैश ही नहीं होगा, इसमें जैसे आप पलट रहे हैं आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। तो 5 मिनट और थोड़ा से इसे पकने देते हैं। ये फ्रेंड्स आपका हो गया है, अब इसमें जो एग हमने डाला था ना इसको हम इसी के अंदर 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए ये मसाले में मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ये एग करी है हमारा रेडी बिल्कुल, तब हम इसमें डालेंगे लास्ट में पिसा हुआ सारा सा गरम मसाला, और खुशबू तो मुझे बहुत लाजवाब आ रही है। आप भी फटाफट अपने घर में बनाइए इसको और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। गार्निशिंग के लिए चाहिए इसमें धनिया। भाई एग करी तो हो गई रेडी, अब इसे हम करते हैं प्लेटिंग।